हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनन्या और आप देख रहे हैं इंटीरियर माता। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और इस चैनल में मैं इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड सारी वीडियोस बनाती हूँ। पहले तो गाइस, मैं बताना चाहूँगी पिछले दो हफ्ते मैंने क्यों वीडियो नहीं पोस्ट किया। एक्चुअली आई वॉज शूटिंग फॉर रियल होम बजट डिज़ाइन, जहाँ पे हम लोग एक सब्सक्राइबर के घर में जाएंगे और उनको एक बजट मेकओवर देंगे। जी हाँ, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और हम लोगों ने एपिसोड 1 जो है वो शूट कर लिया है और बहुत जल्दी मेरे चैनल में आपको वो एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकओवर कंटेंट रहेंगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे सारे जो अपडेट, मैं क्यों वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ, सारे अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम में रहता है, तो प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे 3 बहुत ईजी पेंटिंग, ईजी लेकिन बहुत खूबसूरत। इन सारे पेंटिंग्स के पीछे इंस्पिरेशन है मिनिमलिज्म। अगर आपको बहुत सिंपल एंड सोबर आर्ट पसंद हो है तो ये जो 3 DIYs है ये आपके लिए है। और अगर आप इनमें से कोई भी पेंटिंग ट्राई करते हैं, डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलिए, मुझे आपके रिक्रिएशन देखना बहुत पसंद है। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। फॉर दिस DIY यू नीड 2 कैनवासेस। मैं 8 इंची बाई 10 इंची के 2 कैनवास यूज़ कर रही हूँ। ये कैमल की तरफ से है, आपको किसी भी लोकल शॉप में 45-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। आई विल ट्राई एंड लिंक दिस प्रोडक्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं मास्किंग टेप ले रही हूँ और चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ 1/2 इंचीज़ के। यू कैन डिवाइड दिस पेंटिंग इन इक्वल हाफ। मैं इसको थोड़ी से डिफरेंट तरीके से एक एंगल में डिवाइड कर रही हूँ। इस पेंटिंग के अपर हाफ को कलर करने के लिए मैं व्हाइट एक्रेडिक पेंट यूज करने वाली हूँ और इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक नाइफ, जो पेंटिंग नाइफ होते हैं वो नाइफ और ब्रश। रिमेंबर, इसकी जो टेक्सचर है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ही पेंट में पानी मत मिलाइए। डायरेक्ट आपकी जो पेंट है वो कैनवास में लगाइए और विद स्पून आप ये टेक्सचर क्रिएट करें। चलिए, अपर हाफ तो हो गया है, नाउ नीचे के हाफ के लिए मैं इक्वल टेक्निक यूज़ करके ब्लैक कलर करने वाली हूँ। आप इस पेंटिंग में कोई भी आपकी मन पसंदीदा कलर कर सकते हैं। अगर आप कोई पेस्टल कलर करते हैं लाइक वाइट एंड पिंक, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। आपको अगर वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड येलो करना है, दैट ऑल्सो लुक्स गुड। मैं इस पेंटिंग के लिए ब्लैक एंड वाइट यूज़ करने वाली हूँ। गाइस, ये टेक्सचर सूख गया है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। चलिए नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्लू। आप कोई भी नॉर्मल ग्लू ले सकते हैं, ये ग्लू पर्टिकुलरली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एशियन पेंट्स की तरफ से है। एक ब्रश लेके आप इसकी जो मिडिल पोर्शन है वाइट एंड ब्लैक के, उसके मिडिल पोर्शन में ये ग्लू लगा दीजिए। आप इसको थोड़ी सी सैचुरेटेड कर सकते हैं विथ यूजिंग वाटर, ताकि ये अच्छे से फैल सके। और उसके ऊपर मैं ये गोल्डन कलर के ग्लिटर लगाऊंगी। ध्यान में रहे, ग्लिटर लगाने से पहले आपकी पेंटिंग जो है वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए, अदरवाइज कलर में ये ग्लिटर लग जाएगा और आपकी जो डिवीजन है वो अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। सो मेक श्योर योर पेंटिंग हैज़ टोटली ड्राइड अप। इट इज़ टाइम टू रिमूव द मास्किंग टेप्स।
आप देख सकते हैं मास्किंग टेप को निकालने से कॉर्नर में बहुत खूबसूरत एक बॉर्डर, वाइट बॉर्डर क्रिएट होता है, जो इस तरीके के पेंटिंग में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी पेंटिंग में सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, लुक्स वंडरफुल गाइस। अभी एक्स्ट्रा जो ग्लिटर है उनको डस्ट करने के लिए मैं एक मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप कोई भी सूखे कपड़े से ये काम कर सकते हैं। एंड माई पेंटिंग इज़ रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ ये वॉल में कैसा लगता है। नेक्स्ट पेंटिंग मैं बनाने वाली हूँ मॉन्स्टेरा की। मैं रिसेंटली एक शॉप में गई हुई थी, वहाँ पे मैंने दो पेंटिंग्स देखा मॉन्स्टेरा लीव्स की, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने इंस्टाग्राम में पूछा था क्या आपकी रिक्रिएशन देखना चाहेंगे, और आप में से ऑलमोस्ट 80% लोगों ने हाँ बोला था। इन लीव्स को बनाने के लिए पहले आपको एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा और उसके बाद इनर कॉर्नर्स को जो है क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके जो अंदर में गैपिंग है उसको भी आप पेंसिल से क्रिएट करें, और उसके बाद जो आउटलाइन आपने बनाया था उसको रबर से उसको इरेजर से इरेज कर लीजिए, एंड आपके लिप्स रेडी हो जाएंगे। मैं कलर करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक पेंट। ध्यान में रखिए ये जो पेपर्स है इसमें वाटर कलर नहीं हो सकता, इस कैनवास में नहीं होता है, तो मैं दो कलर यूज़ करने वाली हूँ, एक है डार्क ग्रीन और येलो। इसको अच्छी तरीके से एक प्लेट में मिक्स कर ले, और आपको जैसे भी ग्रीन पसंद है उसके हिसाब से आप इसको कलर करना चालू कीजिए। ये थोड़े से डार्कर शेड में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट मी फिनिश दिस क्विकली, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं विथ यूजिंग ग्लिटर। मैं यहाँ पे सेम ग्लू यूज़ कर रही हूँ विथ यूजिंग वाटर। वाटर लगाने से थोड़ा सा जो है ये सॉफ्ट ग्लू सॉफ्ट हो जाता है, एंड मैं जहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वहाँ पे मैं वो ग्लू लगा रही हूँ, और उसके ऊपर गोल्डन जो ग्लिटर है वो मैं लगा रही हूँ, एंड ऊपर से बस फैला दे रही हूँ। एंड उसके बाद जब भी ये निकल जाएगा, ड्राई आउट हो जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस गाइस। आई एब्सोल्यूटली लव दिस, लव 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 दिस। आप बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं, एंड समर मेकओवर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलिए। गाइज, नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो मिनिमलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में वाइट वॉल है तो उसके लिए ये जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए एज अ स्टार्ट मैं स्केल से माउंटेन की जो आउटलाइन है वो बना रही हूँ, दोनों कैनवास को एक साथ रखते हुए। एक बार ये बन जाए उसके ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ माउंटेन्स के कलर के। आप ग्रीन भी कर सकते हैं इसमें, मैं ब्लू चूज़ कर रही हूँ। बी क्रिएटिव, अगर आपको कुछ भी और भी कलर ट्राई करना है गो फॉर इट। ध्यान में रखिए आर्ट की जो है कोई भाषा नहीं है, कभी आप आर्ट में या फिर क्रिएटिविटी में गलत नहीं हो सकते हैं। सो एवरीथिंग यू डू विल लुक नाइस ऑन योर वॉल्स। ध्यान में रखिए अब बाहर से खरीदी हुई चीज़ों से DIY बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो रहता है। तो मैं स्काई के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ येलो। आई एम बीइंग क्रिएटिव, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। अगर आप माउंटेन्स को ग्रीन बनाएं तो स्काई को ब्लू भी रख सकते हैं, दैट विल ऑल्सो लुक नाइस। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द पेंटिंग, मैं माउंटेन्स के जो टॉप है उसमें ग्लू लगा रही हूँ सैचुरेटेड विथ वाटर।
और उसके बाद मैं उस पर लगा रही हूँ ग्लिटर्स। ध्यान में रखिए, अगेन ग्लिटर्स जो है थोड़े से लगाइए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए, अदरवाइज जैसे स्नोफॉल होता है ना वैसी एक फीलिंग नहीं आएगी। गाइस द पेंटिंग इज़ रेडी, अगेन आई लव इट। मैं आपको दिखाती हूँ सारे जो पेंटिंग्स हैं वॉल्स में कैसे लगते हैं, एंड ऑल्सो आई एम गिविंग अवे ऑल ऑफ दिस 3 पेंटिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करूँगी कैसे आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं इन तीनों पिक्चर्स के अलग अलग पोस्ट करूँगी और उसमें जाके आपको बताना है कौन सी पिक्चर आपको चाहिए, कमेंट में बताना है उसी पिक्चर के नीचे, एंड दैट्स ऑल। विनर जो है नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो में अनाउंस हो जाएगा। सो दिस वॉज इट गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। I hope you enjoyed the video. If you did, don't forget to give it a like, share and subscribe. आज से जो regular video का time है, मतलब मंगलवार और शनिवार को video जैसे शाम को आती रहती थी वैसे आती रहेगी, and मैं उसके साथ extra makeover videos भी आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं Saturday, तब तक के लिए bye, love you all.